हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मेक ट्रेडर चैनल। आई होप आप सभी का दिन प्रॉफिटेबल रहा होगा। गाइस, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए अमेजिंग सी चीज़ लेके आई हूँ, जिसमें हम स्ट्रेटजी के साथ उस स्ट्रेटजी का हम स्कैनर जो है वो कैसे बना सकते हैं वो भी सीखेंगे। इससे पहले आप लोगों को मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा गाइस, कुछ पोजीशंस जो है वो यहाँ पे लगी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डोजी कैंडल है, जिसके हाई पे मैंने एंट्री ली थी और यहाँ पे 1:3 के आसपास मुझे यहाँ पे टारगेट जो है वो मिला है। आई होप आप सभी को कैंडलस्टिक पैटर्न पता होगा कि किस कैंडल को क्या कहते हैं। सो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि एक डोजी कैंडल बनी है, इसके हाई पे मुझे एंट्री लेनी थी। ये बॉटम पे है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1:3 के अराउंड हमें टारगेट मिला है। यहाँ पे आप हिंदाल्को में देख सकते हैं, हिंदाल्को में मुझे यहाँ पे मिला था, जिसमें 1:3 के आसपास रिवॉर्ड मिला। यहाँ पे भी हमें 1:2 के आसपास रिवॉर्ड मिला है। यहाँ पे 1:4 के आसपास रिवॉर्ड मिला है। यहाँ पे हम ICICI बैंक देख लेते हैं, जिसमें मुझे 1:5 से भी ज़्यादा का रिवॉर्ड मिला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1:2 के आसपास का रिवॉर्ड मिला है। सो यहाँ पे मैंने जो अपनी स्ट्रैटेजी का स्कैनर बनाया वो एक पर्टिकुलर कैंडल के बेस पे बनाया है, कि मुझे मंथली लो या मंथली हाई पे डोजी कैंडल जो बनेगी उस पे मुझे ट्रेड्स चाहिए। ओके, सो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना मैं यहाँ पे आप लोगों को प्रॉपरली एक्सप्लेन करूँगी कि ये स्कैनर मैंने कैसे बनाया है, ठीक है। इससे पहले गाइस, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब पे द मैक ट्रेडर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ पे गाइस मैंने बहुत सारी स्ट्रेटजीज जो हैं वो एक्सप्लेन कर रखी है, यहाँ से आप लर्न कर सकते हैं इन स्ट्रेटजीज़ को। अब हम देखते हैं कि हमें स्कैनर जो है वो बनाना कैसे है। मैंने डोजी कैंडल पे बनाया, आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी कैंडल पे बना सकते हैं। जो भी आप लोगों की स्ट्रेटजी हो उस पर आप स्कैनर बना सकते हैं। चाहे चार्टिंग सर्च करना है, यहाँ पे गाइस आप लोगों को अपनी आईडी से लॉगिन कर देना है। अब हमें स्कैनर बनाना है तो हम यहाँ पे क्रिएट स्कैन पे जाएंगे। यहाँ पे गाइस हमें क्या करना है, हमारी स्ट्रेटेजी जो है उसकी कंडीशंस यहाँ पे हमें लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे गाइस जो भी हमारी स्ट्रेटेजी है उसकी जो कंडीशंस है वो यहाँ पे हमें लिखनी है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि डोजी कैंडल पे जो मेरी कंडीशंस थी वो मैंने कैसे लिखी है। नाउ यहाँ पे आपको प्लस पे जाना है, हमारी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं सारी कंडीशंस जो है वो लगा देती हूँ। ब्रैकेट ब्रैकेट में यहाँ पे हमें ओपन नंबर जो है वो 0.003 रखना है। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी जो स्ट्रेटेजी है उसकी जो फर्स्ट कंडीशन है मैंने यहाँ पे लगा दी है। यहाँ पे मुझे डेली चाहिए था, आप लोग अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे जो मैंने नंबर्स लगाए हैं वो भी आप देख सकते हैं, आपकी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ, इसमें हमें थोड़े और चेंजेस करने हैं। यहाँ पे मैं लेस देन इक्वल टू कर दूँगी, यहाँ पे मुझे प्लस करना है, ओके। दो कंडीशन जो है वो यहाँ पे हमारी हो चुकी है।
यहाँ पे मुझे मंथली हाई पे देखना है गाइस, कि मंथली हाई और मंथली लो पे जो भी मेरी कंडीशंस होगी वो मुझे यहाँ पे देखनी है। आप यहाँ पे अपने हिसाब से वीकली अगर आपको चाहिए या फिर 15 डेज में चाहिए, जो भी यहाँ पे आपको चाहिए वो कर सकते हैं चेंज। मैं यहाँ पे मंथली कर रही हूँ, मुझे मंथली हाई पे डोजी चाहिए। ओके, यहाँ पे एक और कंडीशन जो है वो लगा देते हैं, मंथली लो पे। गाइज यहाँ पे आप लोगों को इस तरीके से सारी कंडीशंस जो है आपकी स्ट्रेटेजी की वो लिख देनी है। इसके बाद हमें यहाँ पे स्कैनर को सेव कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आप ना हो, इसके बाद आपको यहाँ पे रन स्कैन कर देना है और आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉक्स जो हैं वो यहाँ पे आपके आ जाएंगे। गाइज यहाँ से सेगमेंट आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, आपको जिस भी सेगमेंट में ट्रेड करनी हो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद गाइज यहाँ पे एक और चीज़ है कि आप इस स्कैनर को दो बार बना सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे हमें डोजी कैंडल जो है वो हाई पे भी बनी हो अगर, तो हम वहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए भी बना सकते हैं, और बॉटम पे बनी हो तो लॉन्ग पोजीशन के लिए बना सकते हैं। सो यहाँ पे दोनों कंडीशन मैंने आप लोगों को बताने के लिए एक ही साथ लगा दी थी। यहाँ पे आप एक को बंद कर सकते हैं, इसके दो स्कैनर बना सकते हैं आप, एक मंथली हाई पे आनी चाहिए क्या डोजी कैंडल और एक मंथली लो पे। सो अभी जो हम देखते हैं वो मंथली लो पे देखते हैं। मंथली लो पे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉक्स जो है वो आ गए हैं, हमें यहाँ पे फर्स्ट स्टॉक देखना है। लेट्स सी 1 जून को यहाँ पे क्या होता है। ओके, 1 जून को यहाँ पे आप लोगों को ये दिख रहा है, हमने लो पे देखा था, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें लॉन्ग पोजीशन बनानी है, और जैसे ही इसका हाई ब्रेक होता है हमें यहाँ पे एंट्री करनी है। इसका लो जो रहेगा वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट जो है यहाँ पे आप 1:1, 1:2 ले सकते हैं, आप 1:2 का टारगेट यहाँ रख सकते हैं गाइस। और आप देख सकते हैं इजीली यहाँ पे हमारा टारगेट जो है वो मिला है। दूसरा स्टॉक देखते हैं गाइस, यहाँ पे डेली स्टॉक भी नहीं आते क्योंकि हमने मंथली हाई पे यहाँ पे सेलेक्ट किया है। आप अपने अकॉर्डिंग, आपको अगर ज़्यादा लॉन्ग नहीं जाना है लाइक 15 डेज या 10 डेज में स्टॉक्स चाहिए तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। इन्फी यहाँ पे हम देखते हैं 26 जून। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा 26 जून को एक डोजी कैंडल बनी है, इसके हाई पे हमें एंट्री करनी है और लो जो रहेगा वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे आराम से हमें 1:4 से भी ज़्यादा का रिवॉर्ड मिला है, बट आपको यहाँ पे टारगेट जो है वो अपने अकॉर्डिंग लेना है। मेरे हिसाब से 1:2 पे आप बुक कर सकते हैं, अदरवाइज आप ट्रेल कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक हम देख लेते हैं, और सीप्ला, सीप्ला यहाँ पे 3 अगस्त को आया है, हम देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, आप लोगों को डोजी कैंडल दिख रही है 3 अगस्त की। ओके, इसके हाई पे हमें एंट्री लेनी है, स्टॉप लॉस हमारा इसका लो रहेगा 1:2 के आसपास। यहाँ पे हमें टारगेट जो है वो देखने को मिल रहा है। अपोलो हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल 1 सितंबर को यहाँ पे हम देखते हैं पोजीशंस जो है वो लगी हुई है 1 सितंबर को। ये डोजी कैंडल है, इसके हाई पे हमारी एंट्री थी, 1:3 से ज़्यादा हमें यहाँ पे रिवॉर्ड देखने को मिल रहा है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमें स्कैनर जो है वो कैसे बनाना है, और
यहाँ पे आप लोगों को क्या होगा गाइस कि मार्केट में जब लाइव मार्केट चल रहा होगा तब आप लोगों को स्टॉक ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। इससे आपको बार बार हर स्टॉक में जा जा के चेक नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होता है गाइस कि हमारी एंट्री जो होती है इतने सारे स्टॉक में चेक करने की वजह से मिस हो जाती है। सो ये आपको बहुत ही हेल्पफुल है। अगर गाइस आप लोगों के पास कोई स्ट्रेटजी है और उसको आप लोगों को चार्टिंग पे स्कैनर बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको कंडीशंस जो है वो समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे लगानी, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को वहाँ डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। गाइस यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमें जो कैंडल जो देखनी है वो डे पे देखनी है, वन डे के चार्ट पे, और ये कैंडल हमें मंथली हाई पे देखनी है। सो यहाँ पे जब हमारा मार्केट बंद हो जाएगा उसके बाद हमें यहाँ पे नोटिफिकेशन मिलेगा कि आपकी कौन से स्टॉक में डोजी कैंडल जो है वो बनी है। देन उसके बाद आप नेक्स्ट डे वहाँ पे अगर हाई या फिर लो जो भी ब्रेक होता है उस अकॉर्डिंग अगर आपकी टॉप पे बनी है तो वहाँ पे आपको सेल साइड की एंट्री लेनी है, और बॉटम पे बनी है तो बाई साइड की एंट्री लेनी है। ये आप लोग ध्यान रखें गाइस। गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और हमारे यूट्यूब चैनल द मेक ट्रेडर को सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।